तो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में हमारे पास है दो गिम्बल, जिनमें से एक है मोजा एयरक्रॉस 2, जो आप देख पा रहे होंगे। ये रहा मोजा एयरक्रॉस 2, ये मेरे एक दोस्त का है, और ये रहा मेरे वाला गिम्बल मोजा एयर। अभी इसको खरीदे हुए मेरे को लगभग 1-1.5 साल के आसपास हो जाएंगे, और इसको मैं यूज़ कर पा रहा हूँ, बेसिकली कोई दिक्कत नहीं आती इसके साथ। पर इसका बड़ा भाई है एक मोजा एयरक्रॉस 2। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? क्या आपको सेकंड हैंड में ये मोजा एयर ले लेना चाहिए, या फिर ये वाला नया लेना चाहिए जो कि है मोजा एयरक्रॉस 2? देखते हैं इस वाले वीडियो में। देखो, बात कुछ ऐसी है कि पहली चीज़ तो ये है कि भाई, गिम्बल का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि फुटेज को स्टेबल करना, जो कि दोनों ही कर देंगे, इनमें कोई भी ऐसे बड़ी बात नहीं है। ये दोनों जो है फुटेज को स्टेबल करने के लिए ही बनाए गए हैं, और दोनों ये काम बखूबी कर लेते हैं। पर इस मोजा एयरक्रॉस 2 में क्या डाल दिया गया है? अभी एक दो कुछ फीचर डाल दिए गए। एक तो ये जो ये आप देख पा रहे होगे, ये जो इसकी अटैचमेंट वाले जो भी सिस्टम है इसका, ये क्या किया है इसने, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके में दे दिया है। तो टिकटॉकर्स जो होते हैं या फिर शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, उनके लिए भी काम आ जाएगा। बेसिकली ज़्यादातर ये वर्क नहीं आता है, काम में नहीं आता ये। और इसमें ना लॉक दे दिए हैं, जो ये देखिए इसकी जो मोटर्स है इधर उधर घूमे ना, तो इसके लिए ये देखिए यहाँ पर लॉक लगा दिए गए। मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए रेड कलर का जो लॉक है ना, इसको अगर हम ऐसे ऊपर कर दें तो अब ये देखिए ये मोटर यहाँ से हिलेगी भी नहीं, और इसको जैसे ऐसे खोल देंगे तो ये हिलने लगेगी। हाँ, तो भाई इन दोनों को ही मैं जो है एक एक बारी बारी करके स्टेबल करके दिखा देता हूँ कि कौन सा ज़्यादा कम टाइम में स्टेबल होता है। हाँ, तो यार ये रहा मोजा एयर। अभी इसको स्टेबल करने में कितना टाइम लगेगा वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो मैं इसका स्टेबलाइजेशन पूरा ख़राब कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसकी ये लीजिए ये कैमरा बाहर निकाल दिया मैंने। ओके, आपके सामने कैमरा मैंने बाहर निकाल दिया। अभी यहाँ से इसका स्टेबल ख़राब कर देता हूँ, पूरा बैलेंस ना ख़राब कर देता हूँ। अभी मेरे को कुछ नहीं पता है इसका क्या स्टेबल है, क्या इसका स्टेबलाइजेशन है। अभी मेरे को इसको सेट करना है, तो अब से सेकेंड स्टार्ट होते हैं। तो लीजिए सर, इसको मैं स्टेबल करना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले तो इसको मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ, इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ, इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ। ये लीजिए सर, ये तो हो गया। अभी ये वाला स्टेबलाइजेशन देख लेते हैं, बराबर होना चाहिए। चलो भाई, गिम्बल जो है स्टेबल हो गया है एकदम। अभी हम इसको ऑन करते हैं। ये आप देख सकते हो जितने सेकंड लगे हैं वो आपके सामने मेंशन हो रहे होंगे। अभी हम सेट करते हैं मोजा एयरक्रॉस 2 को। चलो भाई, इस वाले गिम्बल का भी मैंने जो बैलेंस बिल्कुल आउट कर दिया, अभी इसको मेरे को सेट करना पड़ेगा। तो टाइमर स्टार्ट होता है अब।
चलो इस वाले गिम्बल में नीचे वाले का तो कोई मतलब भी नहीं है, इसको तो हम लॉक कर देते हैं। ओके जी, ये हो गया गिम्बल स्टेबल। हाँ तो यार, इस वाले गिम्बल को इस वाले गिम्बल से एक्चुअली में कंपेयर करें तो क्या क्या चीज़ें हमको एक्स्ट्रा मिलती है इस वाले मोजा एयरक्रॉस 2 में। देखिए, सबसे पहली बात तो हमको मिलता है यहाँ पर, एक बार बंद करके ऑफ ऑन करता हूँ इसको वापस में, ये ऑन हो गया। सबसे पहली चीज़ कि इसका जो जोस्टिक है वो ज़्यादा बेटर है मोजा एयर 1 के मुकाबले, एकदम स्टर्डी जोस्टिक है, तो इसको यूज़ करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। बल्कि जबकि यहाँ पर इस जोस्टिक की हम बात करें, जिसलिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला जो जोस्टिक है बिल्कुल बेकार सा जोस्टिक है, इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। और अगर हम बात करें इस वाले व्हील की, ये मोजा एयरक्रॉस 2 में, तो यहाँ से हम स्पीड वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। हाल फिलहाल के लिए मैं खाली दो कंपेरिजन कर रहा हूँ इन दोनों के बीच में। तो ये देखिए, रिकॉर्डिंग ऑन और स्टॉप यहाँ से हम कर सकते हैं, और मेन्यू को ऑपरेट भी इस वाले व्हील से कर सकते हैं। और ये वाला जो व्हील है ये भी काफ़ी जगह पर काफ़ी तगड़ा काम आता है, और अगर हम इसकी प्रोफेशनल किट ले लें तो वहाँ पर ये ऐसे फोकस रिंग की तरह भी काम करेगा, जस्ट लाइक वो झमेला होता है थोड़ा बहुत, वो आगे किसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे या नहीं पता नहीं। तो ये हो गया, और इसके ऊपर डिस्प्ले भी दी गई है। तो डिस्प्ले का मेन फ़ायदा ये होता है कि हमको हर चीज़ पता रहती है कि भाई अभी कौन सा मोड चल रहा है, अभी स्लिप मोड चल रहा है। इसको मैं वापस ऑन करता हूँ, ये थोड़ी देर में स्लिप भी हो जाता है, बल्कि इसकी अगर हम बात करें तो ये स्लिप नहीं होता, ये रेगुलर चलता रहता है। अगर हम इसके वो चीज़ इस चीज़ की बात करें कि इसको जो है स्टेबल बहुत जल्दी कर सकते हैं हम, ऐसे सेट जल्दी कर सकते हैं, तो वो ऐसा कुछ खास वो ऐसा लफड़ा नहीं है। अगर हम इसको सीख लेंगे प्रॉपर तो इसको भी सीख लेंगे, अगर इसको सीख लेंगे तो इसको भी सीख लेंगे, वो 5-6 मिनट का फ़र्क भी नहीं आता पूरा स्टेबल करने में तो। और हाँ, अगर बिल्ड क्वालिटी वाइज बात करें तो ये पूरा जो है एल्युमिनियम स्ट्रक्चर के साथ आता है। इसका जो हिस्सा है नीचे का प्लास्टिक का है और ऊपर का एल्युमिनियम का है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि बिल्ड क्वालिटी दोनों की बराबर सी ही है। ये USB-C टाइप से जो है चार्ज हो जाता है, और गिम्बल को ऑपरेट करते हुए भी हम इसको चार्ज कर सकते हैं। बल्कि इसमें जो है बैटरीज दी जाती है, जो सेल में आपको बताता हूँ। और हाँ, इसके साथ एक ये रिमोट भी दिया जाता है, जो कि मैंने आज तक भी यूज़ नहीं लिया, और मेरे को पक्का पता है कि आप भी नहीं लोगे, क्योंकि गिम्बल का काम होता है कि वीडियो को स्टेबल करना और कुछ ऐसे पेनारोमिक शॉट वगैरह लेने के लिए काम आता है। तो बेसिकली ये चीज़ें काम नहीं आती, ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, जो कि ऐसे जब नए नए लोगे ना आप गिम्बल, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये कितनी सारी चीज़ें दे रही है साथ में। बेसिकली इनका जो है ऐसे यूज़ बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। इसके साथ जो हैंडल आते हैं उनका भी यूज़ कम से कम आता है। इसका जो बैग है कुछ इस टाइप का आता है मोजा एयर 1 का, ये जो एयर है उसका, और ये जो एयर क्रॉस है ये रहा, इसके साथ बैग वो वाला आता है, मैं आपको बताता हूँ। वो ऐसे उसकी बिल्ड क्वालिटी कम है इस वाले बैग के मुकाबले, और इसके साथ जो बैटरी जाती है वो मैं आपको बताता हूँ कैसी बैटरी आती है। और मोजा एयर के साथ में कुछ इस टाइप के सेल आते हैं, जो कि एक वाली ये जो एक जोड़ी है लगभग 6 से 7 घंटे आराम से निकाल देती है, और मैं इसको यूज कर रहा हूँ 1 साल से भी ज़्यादा हो गया मेरे को टाइम, कभी भी इन बैटरियों ने मेरे को धोखा नहीं दिया। अभी देखो इसके अंदर कैसे ये बैटरी इंसर्ट होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली ये जो है नीचे से ऐसे खुलता है, ऐसे इसके अंदर ना चूड़ी दी गई तो ऐसे ये खुलता है, और यहाँ पर इसके जो है बैटरीज लगती है ये कुछ इस टाइप से। अब देखो ये वाली बैटरी सेट को मैं अलग रखता हूँ, ताकि मेरे को हमेशा पता रहे कि भाई ये वाले 3 सेल डिस्चार्ज है और ये वाले 3 चार्ज है। ये इसका जो चार्जर आता है, जिसमें हमको इंसर्ट करके ऐसे सेलों को हमको चार्ज करना होता है, जस्ट लाइक इस टाइप से। और यहाँ पर माइक्रो USB लगती है, यानी कि जो मोबाइल फ़ोन का चार्जर आता है उससे ये जो है चार्ज होता है माइक्रो USB से। और वहीं पर हम बात करें अगर मोजा एयर क्रॉस 2 की, तो यहाँ पर जो है माइक्रो USB की जगह Type-C दी जाती है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। पर हाँ भाई, बैटरी बैकअप तो इसका ज़्यादा है, ये हैवी यूज़ के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, और ये नॉर्मल यूज़ के लिए DSLRs के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। मेरी सजेशन आप मानो तो हाल फिलहाल के लिए, तो अगर आप ले रहे हो गिम्बल तो एयरक्रॉस 2 ही ले लो, क्योंकि इसको यूज़ करना थोड़ा सा सिंपल है, और इसमें बैटरी वगैरह ज़्यादा है, और ये सिंपल भी है, बट
इसमें जो है ना डिस्प्ले नहीं दी गई, तो हमको जो भी काम करना होता है वो इशारों से ही करना होता है और हमको सारे फंक्शन याद करने होते हैं। नीचे का जो ये दिया गया है इसका ट्राइपोड, वो कुछ इस टाइप से खुल जाता है दोनों में ही। अगर हमको इसका भी ट्राइपोड खोलना है तो ऐसे ही नीचे से घुमा करके ट्राइपोड को हम निकाल लेंगे। दोनों ही ट्राइपोड की क्वालिटी बढ़िया है, ये भी एल्युमिनियम से बनाया गया है और ये भी एल्युमिनियम से बनाया गया है। और भी गिम्बल की कई सारी चीज़ें हैं, अगर आपको टोटल चीज़ें जाननी है तो मेरे को बता देना यार, मैं आपको बता दूंगा, हाथों हाथ वीडियो बना करके बता दूंगा। और इस वाले गिम्बल के साथ एक्सेसरीज ज़्यादा मिलती है और इस वाले गिम्बल के साथ एक्सेसरीज कम मिलती है, क्योंकि जब ये वाला गिम्बल आया था तो कंपनी को ऐसा लग रहा था कि भाई हाँ यार इन एक्सेसरीज को देंगे हम तो ऐसे ग्राहक हमारे जो है ज़्यादा जुड़ेंगे, ऐसे ना ऐसे मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी। बट मैं आपको बता दूं, गिम्बल के साथ एक्सेसरीज से ज़्यादा जो है ना गिम्बल की स्टेबलाइजेशन काम आती है, जो कि दोनों के ही बहुत ही तगड़ी स्टेबलाइजेशन है। कहीं कहीं पर मोजा एयरक्रॉस 2 की बेटर ही होगी मोजा एयर 1 के मुकाबले। एक चीज आपको बताना चाहूंगा यार कि ये जो मोजा एयरक्रॉस 2 है, इसमें सारी चीजें अच्छी हैं, बट एक चीज इसमें बहुत ही खराब लगती है मेरे को कि इसके सारे झोल झमेले हमको खोल करके साइड में ऐसे लगाने पड़ते हैं। जैसे लाइक ये क्यू प्लेट भी अलग लगानी पड़ती है, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेट इसको भी साइड में रखना पड़ता है, उसके बाद इसको पूरा रीसेट करके अंदर डालना पड़ता है। वहीं पर अगर हम बात करें इस वाले की, तो इसमें तो यार ऐसा कुछ खास करना नहीं पड़ता, ऐसे पीछे से ये पाइप खोलो ये वाली और इसको इसके अंदर डाल कर रख दो। इसमें क्या करना पड़ता है, ये वाली खोलनी पड़ती है, ये खोलनी पड़ती है, उसके बाद पूरी सेटिंगें वापस इधर उधर करनी पड़ती है, उसके बाद इसको अंदर डालना पड़ता है। तो इन मामलों में ये ज़्यादा बेटर है कि ऐसे इजी टू वे बाहर निकालो और इजी तरीके से अंदर डाल दो। इसमें थोड़ा सा झोल झमेला है। और हाँ यार, अभी थोड़ा सा ओपिनियन चेंज करते हैं, वो मैं भूल गए उस टाइम कि यार जब हम ऐसे देखें तो टाइम इक्वली लगता है दोनों में सेट करने में, क्योंकि इसका आधा टाइम यहाँ पर लग जाता है, इसको वहाँ पर डालना और इसको उधर डालना, तो दोनों लगभग सेट होने में सिमिलर सा ही टाइम लेते हैं। तो अपने ओपिनियन अपने हिसाब से ही देख लेना अभी कि आपको कौन सा बेटर लगता है। सारी केबल्स इसके अंदर भी देखने को हमको मिल जाती है, कैनन सोनी सारी, और उसके अंदर भी हमको देखने के लिए मिल जाती है। मैं यहाँ पर ना मेरा कैमरा भी रख लेता हूँ, ये बड़ा वाला बैग है ना, तो बड़ा बैग है, तो इसमें मैं मेरे सारे ऐसे एक कैमरा यहाँ पर डाल लेता हूँ। अभी ये पूरा सेट हो गया है और यहाँ पर मेरे सेल आ जाते हैं एक्स्ट्रा, और यहाँ पर कुछ बैटरीज वगैरह, यानी इसके अंदर स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिलता है हमको और इसके अंदर स्पेस काफ़ी कम मिलता है। हाँ यार, एक चीज़ और है कि इसका जो बैग है इसकी क्वालिटी थोड़ी सी चीप सी लगती है, यानी कि ये देखिए यहाँ पर ये फोम से बनाया गया है तो ऐसे स्क्रेचेज वगैरह बहुत जल्दी आ जाएंगे। हालांकि इसके ऊपर भी स्क्रेचेज आ जाएंगे, पर ये एक रफ टफ बैग है, थोड़ा सा ऐसे प्लास्टिक मटेरियल से बनाया गया है, और ये वाला जो है ऐसे फोम से बनाया गया है। आप देख सकते हो नाखून भी थोड़ा बहुत अंदर जाकर आ रहा है, तो नाखून डालूंगा नहीं वरना मेरे को जिनका है वो बोलेंगे ये क्या कर दिया। तो ये कुछ ऐसे ऐसे गिम्बल है, आप अपने हिसाब से देख लेना। हाँ तो भाई, आज के टाइम में अगर आप एक गिम्बल लेने जाओगे तो ये गिम्बल आपको सस्ता पड़ जाएगा, लगभग 15,000 के आसपास ये गिम्बल आपको आराम से मिल जाएगा। सेकंड हैंड या नया लोगे तो भी 16-17 हज़ार रुपये में मिल जाएगा। सबसे चीपेस्ट गिम्बल है ये वाला। और अगर हम बात करें मोजा एयरक्रॉस 2 की, तो ये रहा, इस वाले गिम्बल की आपको कीमत चुकानी पड़ेगी पूरे 25,000 रुपये। तो बट इसमें फंक्शन ज़्यादा दिए गए हैं, यहाँ पर ये व्हील दिया गया है और यहाँ पर पीछे में ये भी यहाँ पर एक व्हील दिया गया है, जोस्टिक अच्छा दिया गया है, ट्रिगर दिया गया है रीसेट के लिए, और लॉक दिए गए हैं। ऐसे बैटरी जो है चलाते हुए इसको चार्ज कर सकते हैं। तो ये वाला फंक्शन बेसिकली काम नहीं आता है कि हम गिम्बल चला रहे हैं और बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, ये वाला फंक्शन तो फेंक फंक्शन है, इसके साथ हमको डिस्प्ले दी जाती है। तो ये कुछ चीज़ों को मिला करके जब हम देखें तो ये वाला गिम्बल महंगा हो जाता है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जब हम इस वाले गिम्बल को जस्ट लाइक ये देखिए, इसको अगर हम ऑन कर देते हैं, लीजिए मान लीजिए गिम्बल ऑन है, तो आप एक चीज़ देख पा रहे होगे कि जो डिस्प्ले है ना वो आपको इसमें डायरेक्टली दिखती है। अगर आपके पास रोटेबल डिस्प्ले नहीं है तो ये वाला गिम्बल आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप 5D वगैरह यूज़ करते हो तो ये वाला गिम्बल सही रहेगा, क्योंकि जब हम मोजा एयर में ऐसा कुछ भी हम करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, जैसे कि ये मान लीजिए ये हमने कैमरा यहाँ पर लगा दिया, तो इस वाली मोटर के पीछे हमारे फोन कैमरे की डिस्प्ले छुप जाती है। तो मेरे पास तो जो जो भी कैमरे हैं उनमें क्या है, रोटेबल डिस्प्ले है, तो जब भी मैं इसको ऐसे सेट करता हूँ, जस्ट लाइक ये मान लीजिए कुछ इस टाइप से मैं जो मेरे गिम्बल को सेट करता हूँ, यहाँ पर मेरा कैमरा रहता है,
तो क्या होता है ना, जब मैं ऐसे देखता रहता हूँ ना, मान लीजिए मैं इसके बिहाइंड द सीन बिहाइंड द टाइप में यहाँ पर रहता हूँ, तो जो डिस्प्ले है ना पूरी ऐसे गिम्बल से बाहर रहती, तो मेरे को ऐसे हर चीज़ दिखती रहती है। पर इस चीज़ में मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा वैसा कैमरा, अगर आप हर कैमरे को इसके ऊपर लगाना चाहते हो, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, मोजा एयर क्रॉस 2। और एक चीज़ और है कि जो ये वाला गिम्बल है ना मोजा एयर, ये ना हैवी चीज़ें ज़्यादा उठा लेता है, 6 kg तक ये जो है अपने ऊपर लोड ले लेता है, तो 6 kg तो बहुत ज़्यादा होता है। और साइड तक ये जो है 3.5 किलो के आसपास अपने ऊपर कैमरे ले सकता है, यानी कि DSLR सारे ही आ जाते हैं। बड़े लेंसेज अगर आपको यूज़ करने हैं भारी भारी, तो मोजा एयर आप यूज़ कीजिए। बस खुद की अपनी अपनी जगहें हैं, ये सस्ता है, इसमें कुछ अलग फायदे हैं, इसके कुछ अलग फायदे हैं, दोनों को मिला करके हम देखें। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा मोजा एयर क्रॉस 2, या फिर आप दूसरा कोई गिम्बल देखना चाहो तो वो भी आपकी चॉइस है। बट मेरे हिसाब से इन दोनों में नॉर्मल यूजर्स के लिए बेटर रहेगा आपके मोजा एयर क्रॉस 2। आई होप आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। फीचर वीचर मैंने कुछ ज़्यादा दिखा ही नहीं है, अंदर के फीचर सब गिम्बल में सेम ही होते हैं, इसके फीचर और उसके फीचर लगभग सिमिलर है। ऐसे फीचर वाइज जैसे कि रोल पेन, फॉलो मोड, ऐसे सारे चीज़ें सिमिलर ही है, एप्लीकेशन दोनों के ऊपर वर्क करती है, इसके साथ रिमोट वगैरह आता है, तो ऐसे फंक्शन सारे सिमिलर से ही है। बट कुछ ऐसे फिजिकल चीज़ों में चेंजेस किया गया है, इसमें कुछ बटन्स वगैरह ज़्यादा डाल दिए गए हैं, उसमें सिर्फ जॉयस्टिक और एक बटन है। इसमें भी हम ऐसे केबल कनेक्ट करके कैमरे को कनेक्ट कर सकते हैं गिम्बल से, और ऐसे बटन दबा करके कोई भी कैमरे में रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसमें भी कर सकते हैं। सारी चीज़ें सिमिलर हैं, बट कुछ एक फंक्शन मोजा एयर क्रॉस 2 में ज़्यादा डाले गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वाले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपको एक ऐसे ही तगड़े से वीडियो पर, नॉलेज वाले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।